नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। यह है स्कोडा की कोडियाक, जो एक 7 सीटर SUV है स्कोडा वालों की तरफ से, या कह सकते हैं फॉक्सवैगन ऑडी ग्रुप की तरफ से। 37,99,000 से शुरू होती है और टॉप मॉडल की प्राइस इसकी 41.39 लाख रुपीस रहने वाली है। 3 वेरियंट्स ऑफर करे जाते हैं, स्टाइल, स्पोर्टलाइन और एल एन के वेरियंट सबसे टॉप माना जाता है। और ये जो वीडियो पर्टिकुलर रहने वाली है, ये रहने वाली है स्पोर्ट लाइन की, जो 39 लाख रुपये एक्स शोरूम आती है। तो इसके बारे में सारी बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो। अभी टॉक फ्रॉम फ्रंट फेशिया, तो आपको ये एडजस्टेबल हेडलाइट मिलने वाली है और इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर भी आपको लाइट देखने को मिलती है, तो 2 प्रोजेक्टर हो गए और यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। देन दिस इज आई थिंक वॉशर और यहाँ पर एयर डैम्स जगह एरोडायनामिक के लिए आपको एयर डैम्स भी देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप डेकल्स बोल सकते हैं। देन 5 पार्किंग सेंसर फॉर फ्रंट में पार्किंग सेंसर 5 मिल जाते हैं। और ये जो लिप है वो भी काफ़ी अग्रेसिवली डिज़ाइन है। देन ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया है। द टिपिकल फ्रंट ग्रिल जो आपको देखने को मिलेगी, स्कोडा का लोगो हो गया, ठीक है। और दिस इज़ नीचे 192 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 2710 mm का आपको इसमें व्हील बेस मिलने वाला है। R18 का आपको, मतलब इसमें जो रिम देखने को मिलने वाला है या अलॉय मिलने वाला है, वो 18 इंच का मिलने वाला है। 235/55 R18 का आपको टायर साइज़ मिलने वाला है। और जो टायर साइज़ है, दैट इज़ फ्रॉम मार्कस कंपनी है, उसका MRF मार्कस करके जो है वो इसका टायर साइज रखा गया है। और सस्पेंशन की बात करें तो MacPherson विद लोअर ट्रायंगुलर लिंक्स एंड टॉर्शन स्टेबलाइजेशन, साइड से क्लैडिंग दे दी गई है क्योंकि ये एक SUV है। ओवरऑल 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। 60 लीटर का आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाला है, ये देख सकते हैं। इसमें पेट्रोल भरवाएंगे, डीजल में ये आती नहीं है। पीछे से वही स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग, ये आपको देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सी लग रही है। डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर, 4x4 की बैजिंग है क्योंकि ये 4x4 है, मतलब और भी ड्राइव का ऑप्शन है। 4 पार्किंग सेंसर, इधर 5 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और जो डिपार्चर एंगल है वो भी काफ़ी बढ़िया रखा गया है, ये आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ फेक स्टफ। और यहाँ पर जो अग्रेसिवली डिज़ाइन किया स्कर्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है। देन क्रोम का ट्रीटमेंट यूज़ कर दिया गया है। और जो साइलेंसर है, वो एग्जॉस्ट है, वो नीचे देखने को मिल जाता है। देन दिस इज़ फॉर ये रिवर्स पार्किंग एंड कोडियाक, दैट इज़ ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया, स्कोडा का लोगो हो गया। एंड विंडशील्ड पर रियर वाइपर है, स्टॉप लैम्प इज इन स्पॉइलर जो कि ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट में। ऊपर शार्क फिन एंटीना छोटा सा दिया गया है, जो स्कोडा में आपको देखने को मिल जाता है ब्लैक ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। और दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, और यहाँ पर आपको बटन भी देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं, जिसकी मदद से आप बंद कर सकते हैं। 270 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर भी आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। अटेंशन डिटेल इज़ दैट के यहाँ पर आपको सब वेलवेट में मिलता है, जिसकी वजह से रैटलिंग साउंड नहीं आने वाली है सामान में। और यहाँ पर इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो टायर मिलता है, दैट इज़ टायर साइज़, इसमें अभी आपको यहाँ पर ऐसे कुछ देखने को मिल नहीं पाएगा। और यहाँ पर बूफर का प्लेसमेंट यहाँ पर रखा गया है, और कुछ सामान यूटिलाइजेशन आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैक वगैरह का प्लेसमेंट है, तो प्रॉपरली टाइड अप है, और इसको बंद कर देते हैं। सो जो थर्ड रो की सीट है, दैट आर 50-50 स्प्लिट का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, 50-50 का। और दिस इज़ फॉर ये आप पीछे करने के लिए इसका हेल्प ले सकते हैं, और ये इसकी मदद से आप इसको डाउन कर सकते हैं। देन पार्सल ट्रे, दैट इज़ यू नो प्रीमियम दी गई है काफ़ी। कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं, हुक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ऐसा कुछ आपको पीछे से बूट देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी मदद से आप इसको बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं। और जो क्वार्टर पैनल है वो भी काफ़ी बढ़िया रखा गया है, जिसकी मदद से क्या है कि क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होने वाला है। और ये जो है यहाँ पर आपको रूफ रेल दे दी गई है, जो कि काफ़ी फंक्शनल लगती है देखने में। और डोर काफ़ी हैवी रखे गए हैं, क्योंकि भाई इतना तो एक्सपेक्टेशन है हमारी स्कोडा और स्कोडा फॉक्सवैगन ग्रुप से, इतनी तो एक्सपेक्टेशन है। और ये स्लाइड भी हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, ये सीट्स वगैरह जो हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं, वो आप कर सकते हैं। सो इफ वी एंटर इन अ सेकंड रो, तो
तो डोर पे आपको एलगनटारा का टच देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लेदर का टच है और विंडो कंट्रोल और ग्रैब हैंडल दैट इज़ प्लास्टिक। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि वेलवेट टच दिया गया है जिससे बॉटल जो है वो रैटल नहीं करेगी, और 12 स्पीकर का कैंटन साउंड सिस्टम मिलता है। देन दीज आर एलगनटारा सीट्स जो आप देख सकते हैं, लेदर और एलगनटारा का मिक्सचर दिया गया है, आयोसोफिक्स माउंट्स है और ये आपको हैंडरेस्ट देखने को मिल जाता है विथ 2 कप होल्डर्स, इधर 3 कप होल्डर्स यू कैन से, पर ये छोटा है इसलिए। और 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन दिया है और इसमें आपको जो माउंट्स हैं सीट बेल्ट माउंट्स मिल जाते हैं, और प्लस अगर आपको पीछे वो करना है तो आप इससे टंबल करके पीछे की तरफ भी जा सकते हैं। तो दीज आर फॉर चिल्ड्रंस के लिए ये वाली रो, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे भी आपको एलगनटारा, और यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह दे दी गई है और 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, हुक्स वगैरह मिल जाते हैं और सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं। एंड देन रीडिंग लाइट्स भी दे दी गई हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और दिस इज़ फॉर जैसे कि आप जैसे पार्सल ट्रे होती है उसके लिए आपको ये दे दिया गया है, और ये थोड़ा सा हार्ड है। एंड अंदर बैठे तो आपको मैं इसको डोर थर्ड सुना देता हूँ, काफ़ी बढ़िया है। और इसमें आपको ये स्क्रीन मिल जाती है, विंडस्क्रीन मिल जाती है जिसकी मदद से आप सन अल्ट्रावाइट वायलेट रेस से बच जाएंगे, और यहाँ पर भी हुक दे दिया गया है, काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है। यहाँ पर रीडिंग लाइट्स इतनी प्रीमियम लगती हैं, देन हुक दिस इज़ ग्रैब हैंडल सॉफ्ट रिलीज के साथ, और यहाँ पर हुक दे दिया गया है, और यहाँ पर इधर साइड आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं 3, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया। और भाई अब इस इतनी प्रीमियम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो हम कुछ तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। 60-40 स्प्लिट है और रेकलाइन जाती है, ये आप देख सकते हैं, और ये पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, और पीछे से डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बात कर लें तो ये सेंट्रल कंसोल में आपको ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है, देन क्रोम इज ऑल्सो देयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच बीच में। और यहाँ पर 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल है इस गाड़ी में, तो यहाँ पर आपको कोल्ड और वार्म के लिए मिल जाएगा, और 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर दे दिया गया है। दिस इज़ ऑल व्हील ड्राइव कार, तो यहाँ पर हम्प भी देखने को मिल जाता है। और नी रूम की बात करें तो नी रूम इज एडिक्वेट, एंड इफ वी टॉक अबाउट हेड रूम, सो हेड रूम मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज हेड रूम, माई हाइट इज रेफरेंस टू 5'11" एंड यू कैन सी हियर, ये हेड रूम है, काफ़ी एडिक्वेट है, तो कमी नहीं आने वाली है, और मैंने ये सीट रिक्लाइन कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, और कंफर्ट सीट्स का बहुत अच्छा है। और मैंने आपको पीछे से ये दिखा दिया है, पीछे आपको मैंने जो रो दिखाई है उसमें सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए जगह है, ऐसा एडल्ट्स वगैरह कैरी मतलब जा नहीं सकते। अगर उनकी हाइट फॉर रेफरेंस 5'5" या 5'5" से नीचे है तो आप उसमें मतलब एडजस्ट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। और ये है कुछ डैशबोर्ड, तो चलते हैं आगे की तरफ, मैं आगे की तरफ आपको सब कुछ दिखाता हूँ। सो दीज आर, यहाँ पर आपको इनविजिबल रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाते हैं, एंड दिस जो ग्राउंड क्लियरेंस रखी गई है दैट इज़ 192 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, और जो व्हील बेस है दैट इज़ 2710 mm का ग्राउंड आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। और इफ वी टॉक इनसाइड द डोर, एलगनटारा एंड देन लेदराइट का आपको टच देखने को मिल जाता है, और 4 विंडो कंट्रोल्स एंड लॉक अनलॉक का भी ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है। कैंटन की ब्रांडिंग हो रखी है क्योंकि इसमें 12 स्पीकर आते हैं कैंटन के, और यहाँ पर वेलवेट टच दे दिया गया है जिसकी मदद से आपको होगा क्या कि रैटलिंग साउंड नहीं आने वाली है बॉटल्स की, और स्पीकर, और इसमें भी आपको क्रोम का वर्क हो रखा है। देन दिस इज 2 इज क्रोम, देन दिस इज कार्बन फाइबर टच, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक करती हुई आपको मिल जाएगी जो टिपिकल स्कोडा कार्स फॉक्सवैगन ऑडी ग्रुप में देखने को मिलता है। दिस ट्विटर प्लेसमेंट एंड सीट्स आर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल रिक्लाइनिंग, और ये देख सकते हैं आप, एंड दिस इज़ फॉर पीछे के लिए, और ये अंडर थाई सपोर्ट के लिए, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दे रखा है पूरा मतलब बोल्स्टर है, और जो सीट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, और ये शायद मेरे ख्याल से लंबर सपोर्ट और मेमोरी फंक्शंस के भी दे रखे हैं। कोडियाक की स्कफ प्लेट यहाँ पर मिल जाती है। देन दीज आर पैडल्स, स्पोर्ट लाइन है तो उसके हिसाब से पैडल भी आपको एल्यूमिनियम फिनिश में मिल जाएंगे, मेटलिक फिनिश में। ये दिस इज़ बोनट लीवर, इसको खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, स्कोडा का लोगो हो गया, एंड सो
बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार इज इसमें हाइड्रोलिक स्टड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दिस इज फेमस इंजन फ्रॉम फोक्सवैगन ऑडी ग्रुप, जो कि है 2 लीटर TSI इंजन जो प्रोड्यूस करता है 188 PS की पावर और 320 Nm का टॉर्क। यहाँ पर कोई ब्रांडिंग नहीं हो रखी है एज सच, नाइसली पैक्ड इंजन है। यहाँ से आपको लीवर देखने को मिल जाता है, वॉशर फ्लूड के लिए जगह छोड़ी गई है, ECU हो गया, देन दिस इज फ्यूज बॉक्स, और यहाँ पर आपको बैटरी वगैरह देखने को मिल जाती है, इंसुलेशन प्रॉपर मिल जाता है। तो पेट्रोल इंजन है और काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी पावर प्रोड्यूस करता है, एंड दिस इज फॉर ऑल्सो ट्यूनिंग पर्पज। तो लोग इसे ट्यून बहुत करते हैं, साउथ इंडिया की तरफ चले जाएँ तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज हैवी एंड दिस इज प्रीमियम ब्लेड्स जो आपको देखने को मिल जाते हैं ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर के साथ, रूफ रेल्स दे दी गई हैं और पैनोरामिक सनरूफ आप देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको और दिखाता हूँ। तो हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाऊँ, ये है डैशबोर्ड। तो आपको किसकी याद आ गई इस गाड़ी को देख करके? कुछ कुछ मेरे को एंडेवर जैसी याद आ गई है, कुछ ये जगह देख करके, और बीच में डिस्प्ले जो है, और सेम आपको वही वेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने किसी को कॉपी किया है, ये इसकी अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज है और फोर्ड वालों की अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज है। अब लोग सोच रहे होंगे मैं फोर्ड इतना क्यों करता हूँ, भाई फोर्ड से प्यार है, सच में है, ठीक है। तो ये है स्टेयरिंग व्हील जो कि लैदर रैप्ड है, नाइसली डन है, और आपको क्रोम टच देखने को मिल जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पर आपको वॉइस कमांड कंट्रोल्स और जो आपको ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देन दीज आर पैडल शिफ्टर्स फॉर गियर चेंजिंग, मैनुअल में आपको लेना है तो, और ये है आपका क्या है, ये क्रूज कंट्रोल और इंडिकेटर्स के लिए, और दिस इज फॉर वॉशर फ्लूइड्स, और यहाँ पर आपको नॉब मिल जाएगा लाइट के लिए, हेडलाइट के लिए, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कार्बन फाइबर टच दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है, मैट में है, और यहाँ पर भी आपको क्रोम का फिनिश वर्क देखने को मिल जाएगा, एंड दिस इज सॉफ्ट टच मटेरियल, और यहाँ पर भी स्पीकर दिया गया है और डिफॉगर मिल जाता है, और यहाँ पर भी कार्बन फाइबर फिनिश दे दी गई है, वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको एक यूनिक चीज़ मिल जाती है जिसकी वजह से आप ये कंट्रोल मतलब जो AC वेंट है इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऑन कर लेते हैं, इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है, और ये कर दिया बटन को ऑन, और मैं ये दिखाऊँ, ये है कुछ की, ये आप देख सकते हैं, स्कोडा का लोगो हो गया। तो फोक्सवैगन ऑडी और जो ये स्कोडा है वो ऐसी सेम की देते हैं। देन दिस इज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर आपको जो है, दिस इज टैकोमीटर आइकन से, ये टैकोमीटर है, और यहाँ पर आपको टेम्परेचर मीटर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं पार्किंग पे लगी हुई है, और यहाँ पर भी स्पीड के लिए आपको मिल जाती है, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और यहाँ पर इंडिकेटर के आपको इंडिकेशन मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको जला के दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो और ये इंजन चेक लाइट वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, 7 किलोमीटर ये गाड़ी ड्रिवन है वो सब, और यहाँ पर भी आपको फ्यूल गेज के लिए देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी सुंदर सा बना रखा है, और भी इसमें बहुत कुछ, और अगर सिक्योरिटीज सेफ्टी की बात करी जाए तो इसमें 9 एयरबैग्स दे दिए जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो ऑडी फोक्सवैगन ऑडी ग्रुप ने कोई कमी नहीं छोड़ी है गाड़ी की सेफ्टी में, और अटेंशन टू डिटेल आप ये देख सकते हैं, स्पोर्ट लाइन की बैजिंग यहाँ पर भी दे दी गई है, और यहाँ पर क्रोम का वर्क कर दिया गया है। एंड बीच में आ जाते हैं, तो बीच में आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको ऑन किया, दिस इज 8 इंच की स्क्रीन जो आपको सुपर्ब में भी मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको स्कोडा के एप्स वगैरह मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले आपको देखने को मिल जाता है, ये 8 इंच की स्क्रीन है, यहाँ पर रोटेटरी नॉब मिल जाते हैं, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये भी अटेंशन टू डिटेल है, जिसमें ये देखिए पावर ऑफ का जो ऑन का बटन होता है उसमें भी आप ये रोटेट हो जाता है, और मीडिया कैंसिल कर देता हूँ, मीडिया ये आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये कोडियाक के अंदर है गाड़ी, जब तक स्टार्ट नहीं होगी तब तक ये स्क्रीन ऑन नहीं होती है। ये नेविगेशन का हो गया, आप ये देख सकते हैं, ऐप हो गए, कार के ऐप खुद के भी हैं मतलब स्कोडा वालों के, और ये कार का हो गया, ये आप देख सकते हैं, इसमें बताएगा कितने किलोमीटर पर ये एम्प्टी हो जाएगी, ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर। सेटिंग के अंदर चले जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगी, ठीक है। तो इसको कर देते हैं बैक, और यहाँ पर देखिए ये स्लाइड भी हो जाता है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी रिस्पॉन्सिव सिस्टम है। तो मैं एक चीज आपको और दिखाता हूं, ये एडजस्टेबल, ये देखिए ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, ये मैं दिखाना चाह रहा था। तो
ये स्क्रीन मैंने आपको दिखा दी। नीचे आपको टू जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो यहीं मिल जाता है और फिर मोड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं फ्लो के लिए। यहाँ पर आपको टेम्परेचर कंट्रोल, ऑटो, एसी के बटन्स और ये सिंक, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। ब्लोअर का ब्लोअर आपको ब्लोअर के लिए भी यहाँ पर मिल जाता है। नाइसली डन है, यहाँ पर क्रोम का वर्क किया गया है और यहाँ पर मैक्स की उसमें जाना है तो डिफॉगर्स वगैरह ये सब मिल रखे हैं। पैसेंजर एयरबैग के लिए यहाँ पर दिखा रखा है कि मतलब जब पैसेंजर बैठा होगा एयरबैग ऑन है कि नहीं है। लॉक अनलॉक के लिए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। देखिए ये इल्यूमिनेट हो चुका है, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं। हजार्ड लाइट के लिए बटन है तो ये देखिए ये भी ब्लिंक करता रहेगा। और ये पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने हैं और ये पार्क असिस्ट का फीचर यहाँ पर दे दिया गया है जिसकी मदद से होगा क्या, ये बटन दबा देंगे तो अपने आप पार्किंग के लिए जगह ये बनाएगा और पार्क कर देगा। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ दे दिया है, मतलब माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। यहाँ पर ब्लैक क्रोम का मतलब ब्लैक ग्लॉस ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, ये लाइटर नहीं है। और सेम यहाँ पर दो टाइप सी के पोर्ट्स भी दे दिए गए हैं। तो ये एक तरीके से ओवरऑल काफ़ी बढ़िया पैकेज है। और यहाँ पर आता है गॉड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसे मतलब फोक्सवैगन ऑडी ग्रुप का फेमस ट्रांसमिशन है DSG, 7-speed DSG। तो ये वो आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। इसकी मदद इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद ये आपको आगे पीछे करना होगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पर मार्किंग हो गई है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ये स्पोर्ट्स और ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल कर दिया गया है और यहाँ पर मोड्स मिल जाते हैं क्योंकि ये 4x4 है, तो उसके हिसाब से ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ मिल जाता है। दैन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पर मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया, एंगेज हो गया। अब यहाँ पर साइड में बात कर लें तो ये स्लाइडर है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दो कप होल्डर मिल जाते हैं और यहाँ पर ये आपको फ्रेम भी मिल जाता है जिसमें आप, और ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, इसमें नीचे रबराइज हो रखा है, ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ रबराइज है तो ये कहीं भी हिलने नहीं वाली। और चाबी आप यहाँ पर पुट इन कर सकते हैं, जैसे ये देखिए, ठीक है। और इसको स्लाइड भी कर सकते हैं, ये स्लाइड कर दिया तो ये बंद हो जाएगा और इसको ऑन करेंगे और खोलेंगे तो इसमें भी आपको स्पेस मिल जाएगी। देन इफ़ वी टॉक अबाउट ग्लो बॉक्स, तो ग्लो बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एक ग्लो बॉक्स यहाँ पर है इसमें स्कोडा की। और दैट इज ऑल्सो अटेंशन टू डिटेल एरियज कि यहाँ पर आपको मैट में सब मिलता है रबराइज, तो ये अपनी जगह से आगे पीछे होगा ही नहीं जब फोर मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चल रहे होंगे। और दूसरा ग्लो बॉक्स यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये कूल्ड है, ये आप ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो ये तो हो गई अपनी गाड़ी के अंदर की बात, ये आप देख सकते हैं। ऊपर की देखते हैं तो ऊपर आपको वाइजर में क्या मिलने वाला है, ये देखिए, दिस इज़ वैनिटी मिरर और यहाँ पर भी शायद लाइट दे दी गई है और इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर जो है आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं लाइट्स से रिलेटेड, दिस इज़ लाइट, दीज आर लाइट्स, यहाँ देख सकते हैं कैबिन लाइट्स होती हैं जो अभी ऑन नहीं है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये ऑन हो गया है, ये देखिए ये ऑन हो गया है। और ये सब और ये और इसको करेंगे ऑन तो ये एक्चुअली में 500 साल लगा लेगा मेरे को लग रहा है कर्टेन ऑन करने में। सो दिस इज ह्यूमंगस पैनोरामिक सनरूफ जो कि टिंटेड है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसको कर लेते हैं पहले बंद। और यहाँ पर आपको जो कंट्रोल हैं वो आपको किससे रिलेटेड मिलने वाले हैं, एक उससे रिलेटेड मिलने वाले हैं, सनरूफ से रिलेटेड। तो ये ह्यूमंगस सा सनरूफ हो गया, या इसे पैनोरामिक सनरूफ बोलते हैं वैसे। तो ये चीज़ आपको इसमें मिलने वाली है। और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हो गई और यहाँ पर लॉक अनलॉक का ऑप्शन हो गया, ये सब चीज़ें इल्यूमिनेटेड हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये बंद करने के बाद आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ अटेंशन डिटेल, एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आपको जो है बूट लिड का बटन भी मिल जाता है, ये सबसे बेस्ट बात है। तो कैसी लगी आपको कोडियाक का ये स्पोर्ट लाइन वर्जन, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। यार मेरा तो एक सपना था वो पूरा हो गया, एंडेवर में तो मैं कंप्लीट रिव्यू बना नहीं पाया क्योंकि फोर्ड डिसकंटिन्यू हो गई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये जो है कोडियाक है, स्कोडा ही कोडियाक स्पोर्ट लाइन। और स्कोडा और फोक्सवैगन ग्रुप का मेरे को यही सबसे बढ़िया लगता है, जो इनके प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं ये अपना इम्पोर्ट करा लेते हैं। इम्पोर्ट कराने के बाद क्या होता है, इम्पोर्ट कराने के बाद जिन्हें खरीदनी होती है वो अपनी खरीद लेते हैं, और इससे क्या होता है वेस्टेज और मतलब वेस्ट भी नहीं होती है गाड़ी की, मतलब ये बिकेगी नहीं तो मतलब ऐसा ख़राब सी हो जाएगी। तो ये क्या है कि बाहर ज़्यादा फेमस हैं ये गाड़ियाँ, जर्मन में ज़्यादा, क्योंकि जर्मन कंपनी है और जर्मनी में ज़्यादा फेमस है, तो इसके हिसाब से ये गाड़ी डिज़ाइन करी जाती है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कैसी लगी आपको गाड़ी, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और
लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब भी करिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं द ऑटो स्टूडियो को। टिल देन कीप वॉचिंग द ऑटो स्टूडियो। बाय बाय, टेक केयर।